नमस्कार, यह रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। अजब गजब में आज हम आपको फिर से एक अजब गजब सच्चा और वास्तविक किस्सा सुनाने आए हैं। सांपों के गांव में इंसान रहते हैं, यानी कि सांप और इंसान दोनों साथ साथ रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इस गांव में सांपों की संख्या इंसानों से ज्यादा है। हालांकि भारत का ऐसा खतरनाक गांव जहां पर पाले जाते हैं कोबरा, सांपों के गांव के नाक से मशहूर है ये गांव। विविधता से भरपूर देश भारत में एक ऐसा खतरनाक गांव है जहां पर विस्तर सांप पाले जाते हैं। कोबरा का नाम किसने नहीं सुना। ये गांव कोबरा सांपों के लिए मशहूर है और इसलिए इसे कहा जाता है सांपों का गांव। भारत विविधता में सुंदरता के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन दुनिया में लोगों को शायद ये पता नहीं कि भारत में एक ऐसा भी गांव है जहां पर लोग अपने घरों में कोबरा सांप पालते हैं। सच तो ये भी है कि भारत में ही सबको इस गांव के बारे में नहीं पता। आम तौर पर लोगों को सांप का नाम सुनकर ही डर लग जाता है। सांप अगर सामने आ जाए तो लोगों की घिग्गी बन जाती है। जहां लोग कॉकरोच और छिपकली इसे डरते हों, वहां सांप तो किसी भी आदमी के लिए बहुत ही डरावनी बात है। मगर भारत के इस गांव में रहने वाले लोग सांप से नहीं डरते, बल्कि सांप पालते हैं। सुनने में अजीब सी लगने वाली बात पूरी तरह से सच है। ये गांव है भारत के महाराष्ट्र राज्य में। इस गांव में सांप और इंसान एक साथ रहते हैं। इस सांपों के गांव का नाम शेतफल गांव है। महाराष्ट्र के इस शेतफल गांव में, जिसे कोबरा गांव भी कहा जाता है, घर घर में पला हुआ है कोबरा। यहाँ लोग अपने घरों में कुत्ते बिल्ली नहीं पालते, बल्कि कोबरा सांप उनके घरों में पला हुआ है। इस गांव के लोग सांपों से बिल्कुल नहीं डरते। उनको पालने में भी है, उनको आनंद आता है, क्योंकि ये लोग सांपों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। इस कोबरा गांव के लोग सांप को धार्मिक आस्था के दृष्टि से देखते हैं, इसलिए अपने इष्ट देव भोले शंकर के गले के हार से उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये लोग सांप को भगवान शिव के प्रतीक के रूप में देखते हैं, इसलिए इस गांव में घर घर में सांप को दूध पिलाया जाता है। अचंभे की बात यह भी है कि गांव में रहने वाले बच्चे भी सांप से नहीं डरते, बल्कि उनके साथ खेलते हैं। शेतफल गांव के लोग भगवान भोलेनाथ के गले के आभूषण सांपों की पूजा करते हैं। यदि आप इस गांव के विषय में जानने के लिए यहाँ आते हैं, तो आपको यहाँ पर ऐसे बहुत से मंदिर दिखाई देंगे जहां पर सांपों की पूजा हो रही होगी। आपको किसी भी घर में अंदर जाने से पहले दो बार सोचना पड़ेगा। आप यहाँ बाहर से आए हैं तो आपका डरना स्वाभाविक है, क्योंकि इस गांव में लोगों के बेडरूम के अंदर भी सांप देखने को मिल जाते हैं। यहाँ तो घरों के अलावा खेत, पेड़ और बगीचों में भी सांप आराम करते नजर आते हैं। इस गांव में लोग बताते हैं कि ये सांप ना तो उनको डराते हैं, ना ही किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ इस गांव के लोग बताते हैं कि सांप शुरू से ही उनके जीवन साथी है। दरअसल बरसों पहले उनके पुरखों ने सांप पालने शुरू कर दिए थे। कारण क्या था ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक बार ये शुरुआत हुई तो फिर आगे आने वाली पीढ़ी इस परंपरा को निभाने में जुट गई। बड़े तो बड़े, गांव के छोटे बच्चे भी बचपन से ही सांप को संभालना सीख जाते हैं इस गांव में। यदि आपको रोमांचक स्थानों की तलाश का शौक है, तो आपको कम से कम एक बार तो इस गांव में आना ही होगा। यहाँ जो आपको दिखेगा दुनिया में कहीं नहीं दिखेगा। अजब गजब में आज के लिए इतना ही। आपको हमारी ये वास्तविक कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे अजब गजब में कोई अजब गजब किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।